आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 16। हम स्टार्ट कर रहे थे सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर कहाँ पर है? सेक्शन 2 क्लोज 105। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर तो सप्लायर है ही, लेकिन अगर एजेंट सप्लायर के बिहाफ पर गुड सर्विस सप्लाई कर रहा है तो एजेंट को भी सप्लायर मानेंगे। मतलब सप्लायर कौन है? सप्लायर तो सप्लायर है ही, एजेंट भी सप्लायर है। एजेंट कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लोज 5 में। इसमें क्या लिखा हुआ? एजेंट मीन्स ए पर्सन इंक्लूडिंग ए फैक्टर ब्रोकर कमीशन एजेंट डायरेक्ट क्रेडिटर एजेंट एंड ऑप्शनर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ एंड हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। मैंने शॉर्ट में क्या बताया था? एजेंट मीन्स एजेंट हु सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। और एजेंट क्या होता है मैंने बताया था, एक लाइन आप छोड़ देना यहाँ पर, एजेंट खुद अपने नाम पर गुड्स या सर्विस या बोथ रिसीव करेगा फिर आगे सप्लाई करेगा। क्या बोला मैंने? एजेंट खुद अपने नाम पर गुड सर्विस या बोथ रिसीव करेगा फिर आगे सप्लाई करेगा। फिर हमने कुछ एग्जांपल किया था, फिर मतलब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमको और क्लियरिटी होगी। हम दो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कौन है? सप्लायर। यहाँ पर कौन है? एजेंट। यहाँ पर कौन है? रेसिपिएंट। कौन है? रेसिपिएंट। और अगले केस में फिर सेम, यहाँ पर कौन है? सप्लायर। यहाँ पे इंटरमीडियरी और यहाँ पर कौन है अपना? रेसिपिएंट। कौन है? रेसिपिएंट। मैंने क्या बताया था? इसमें क्या होगा? सप्लायर इसको देगा फिर फर्दर ये इसको सप्लाई करेगा, यानी कि ये पहले गुड्स रिसीव करेगा, पहले गुड्स रिसीव करेगा फिर अपने नाम से बिल बनाकर रेसिपिएंट को सप्लाई करेगा। क्या वो अपने पहले खुद गुड्स रिसीव करेगा अपने नाम पर और फिर आगे वो रेसिपिएंट को अपने नाम से बिल बनाकर सप्लाई करेगा। ये कौन है? बिजनेस। कौन होगा ये? रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी कौन होगा? बिजनेस। कौन होगा ये भी? जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा। जब ये इसको सप्लाई करेगा तो जो जीएसटी चार्ज उसका, जब ये आके सेल करेगा तो जो जीएसटी आके चार्ज करेगा उसमें यूज़ करेगा। क्या करेगा ये? जो जीएसटी इसको पे करके आएगा उसको कहाँ पे यूज़ करेगा? जब वो यहाँ पे इसको सेल करेगा तो आउटपुट जीएसटी पे देने के लिए वो अपना इनपुट जीएसटी को यूज़ करेगा। क्या करेगा? आईटीसी यूज़ करेगा। क्या करेगा? आईटीसी यूज़ करेगा। और इस वाले केस में क्या होता है? यहाँ पे ये बस इन दोनों को मिलवाता है। क्या करता है? इन दोनों को मिलवाता है और जो सप्लाई होता है वो डायरेक्ट सप्लायर से रेसिपिएंट को होता है और पेमेंट भी डायरेक्ट होता है। यहाँ पे इंटरमीडियरी अपने नाम से गुड्स या सर्विस नहीं लेता है, वो क्या बोलता है? सप्लायर आप सीधा इसको सप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या होता है? सप्लायर
डायरेक्ट सप्लाई टू रेसिपिएंट, इंटरमीडियरी अपने नाम पर गुड्स नहीं लेता है, इंटरमीडियरी का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जब इसको डायरेक्ट बिल बना रहे, डायरेक्ट इसको सेल कर रहे, तो बीच में इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं, खाली इतना रोल है दोनों को मिलवाने का। लेकिन यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, एजेंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एजेंट कहाँ पे डिफाइन है? ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज 5, और ये इंटरमीडिएट कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लोज 13, कहाँ पे? सेक्शन 2 क्लोज 13, इसको भी आप नोट कीजिए। यहाँ पे जब हमने एजेंट का डेफिनेशन जो है लिखा था, यहाँ पे एक पेज छोड़ दो, यहाँ पे हम किसकी डेफिनेशन लिखेंगे? इंटरमीडियरी की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। सेक्शन 2 क्लॉज 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। जब भी मैं आईजीएसटी का नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप क्या समझेंगे? सीजीएसटी। अगर कुछ और एक्ट में डिफाइन होगा तो भी मैं उसी का नाम लिखूंगा, अदरवाइज कहाँ पे डिफाइन मानेंगे उसको हम? सीजीएसटी एक्ट में। ये 25 कहाँ पे है? ये वाला, ये अपना सीजीएसटी एक्ट है, ये भी सीजीएसटी एक्ट है, ये भी सीजीएसटी एक्ट है। लिखिए यहाँ पे intermediary means a broker an agent or any other person by whatever name called, by whatever name called, who arranges or facilitate, who arranges or facilitate the supply of goods or services or both.
बट आप साथ से इसको नोट करते रहिए, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हू, पर्सन कहाँ पे डिफाइन है अपना, टू क्लोज 84, पर्सन हू सप्लाइज सच गुड्स और सर्विसेस और बोथ ऑन हिज ओन अकाउंट। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे ऑन हिज ओन अकाउंट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन जो ओन हिज ओन अकाउंट, अगर वो खुद अपने नाम पे ले रहा है फिर आगे सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एजेंट। अगर मिलवा रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरमीडियरी, अगर उसको क्या बोलेंगे, एजेंट। तो एजेंट अलग होता है और इंटरमीडियरी अलग होता है। एजेंट क्या करता है, अपने नाम पे गुड्स लेता है सर्विसेज, फिर आगे अपने नाम से बिल इशू करके रेसिपिएंट को सप्लाई करता है। लेकिन इंटरमीडियरी में क्या होता है, वो अपने नाम पे नहीं लेता, वो इन दोनों को मिलवाता है और अपना कमीशन लेता है। हो सकता है वो दोनों से कमीशन ले, हो सकता है वो किसी एक से कमीशन ले, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इनको अपनी कार बेचनी है और इनको कोई कार खरीदनी है, इन्होंने इंटरमीडिएट से बोला मुझे कार बेचनी है, इसने बोला मुझे कार खरीदनी है, तो मान लीजिए इसने 5 लाख की कार इसकी बिकवाई, तो 10% कमीशन इससे लिया, 10% कमीशन इससे लिया, 50,000 इससे लिया, 50,000 इससे लिया, और डिपेंड करता है कि वो दोनों को सर्विस दे रहा है कि एक को। हो सकता है इसको भी साथ में नोट कर लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल ये कौन है सप्लायर, ये कौन है रेसिपिएंट। इसको क्या करना है, कार सेल करना है, इसको क्या करना है, कार परचेज करना है, क्या कार परचेज करना है। यहाँ पे थे मिस्टर आई, कौन थे मिस्टर आई, सप्लायर ने बोला मुझे कार बेचना है, इसने बोला मुझे कार खरीदना है, इसने क्या किया सप्लायर को और रेसिपिएंट को क्या किया, मिलवा दिया और बदले में क्या किया, इससे भी कमीशन चार्ज किया और आर से भी रेसिपिएंट से भी कमीशन चार्ज किया। किसने चार्ज किया, मिस्टर आई ने, उसने दोनों से कमीशन चार्ज किया। ये ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने मुझे कार सेल करना है, मिस्टर आई काम पर लग गए, उन्होंने रेसिपिएंट ढूंढ के उसको कार बिकवा दिया और इनसे कमीशन ले लिया। लेकिन यहाँ पे रेसिपिएंट के वो इंटरमीडियरी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ सप्लायर के इंटरमीडियरी थे, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो अब इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और नोट कीजिए आप, जैसा हमने अभी तक बताया कि सप्लायर था यहाँ पे रेसिपिएंट था, यहाँ पे एजेंट था, ये यहाँ पे कौन था इंटरमीडियरी। लेकिन हो सकता है कि सप्लायर कोई गुड्स या सर्विस खरीदना चाहते हो तो उसके लिए उसने कोई अपना एजेंट या इंटरमीडियरी रखा हो, तो फिर यहाँ पे सप्लायर कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट, और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन कौन होगा, सप्लायर। फिर यहाँ पे देखा जाएगा कि वो एजेंट है या इंटरमीडियरी। अगर वो सप्लायर से अपने नाम पे गुड्स लेता है फिर आगे वो किसको, रेसिपिएंट को देता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा था, तो या तो एजेंट के थ्रू सेल करेगा या तो वो इंटरमीडिएट यानी कि डायरेक्ट सेल करेगा। एजेंट के थ्रू करेगा तो ऐसे जाएगा और इंटरमीडिएट के थ्रू करेगा तो ऐसे डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट इसको मिलवा देता है। लेकिन यहाँ पे इसको सामान बेचना नहीं, कोई सामान खरीदना था या सर्विस इसको लेना था, तो यहाँ पे ये कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट। अब इसने क्या किया, एजेंट या इंटरमीडिएट हायर किया, एजेंट हायर करेगा तो सप्लायर इसको देगा, फिर आगे अपने नाम से इसको देगा। लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट हायर करता है तो यहाँ पे सप्लायर डायरेक्ट इसको देगा, रेसिपिएंट को, और इंटरमीडिएट क्या करेगा, कमीशन चार्ज कर लेगा, उस हिसाब से एजेंट भी अपना कमीशन चार्ज कर लेता है। तो एजेंट या इंटरमीडिएट,
हम गुड्स या सर्विस सप्लाई करने के लिए भी हायर कर सकते हैं, सप्लाई करने के लिए भी, और गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई लेने के लिए, सप्लाई देने के लिए, देने के लिए यहाँ पे सप्लाई लेने के लिए, यहाँ पे वो सामान बेच दे रहा है, यहाँ पे वो सामान खरीद रहा है, यहाँ पे सामान बेच रहा है क्या, यहाँ पे बेच रहा है, यहाँ पे एजेंट क्या कर रहा है, बेच रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एजेंट खरीद रहा है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। तो आप खरीदने के लिए भी एजेंट इंटरमीडिएट हायर कर सकते हैं, और आगे बेचने के लिए भी एजेंट और इंटरमीडिएट हायर कर सकते हैं। सर डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इंटरमीडिएट मीन्स ए ब्रोकर, क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट मीन्स ए ब्रोकर या एजेंट, कुछ भी नाम ले लीजिए आप, हु अरेंजेस और फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन टू और मोर, अरेंजेस और फैसिलिटेट, अरेंज मतलब खरीदने के लिए, फैसिलिटेट मतलब बेचने के लिए, ठीक। उसी तरह यहाँ पे एजेंट में भी था अपना, एजेंट मीन्स एजेंट हु सप्लाई और रिसिप्ट, सप्लाई के लिए भी रख सकते हैं और गुड्स या सर्विस रिसिप्ट के लिए भी हम एजेंट को हायर कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट कीजिए। तो यहाँ पे हमने सप्लायर का डेफिनेशन पढ़ लिया। सप्लायर कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 105। सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड। सप्लायर तो सप्लायर है ही, एजेंट भी सप्लायर है। फिर हमने एजेंट पढ़ा, एजेंट कौन होता है जो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करता है या रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, और वो एजेंट खुद अपने नाम पर गुड्स एंड सर्विस और बोथ रिसीव करता है, रिसीव करेगा तो फिर आगे सप्लाई करेगा, रिसीव करेगा और आगे सप्लाई करेगा। यहाँ पर लीजिए खुद बिल अपने खुद बिल अपने नाम से इशू करेगा, ठीक। और इंटरमीडिएट में आप लिखिए ये सिर्फ सप्लायर और
रेसिपिएंट को मिलवाता है। खुद गुड्स या सर्विस या बोथ अपने नाम पर नहीं लेता है। और इसलिए खुद बिल भी अपने नाम से इशू नहीं करता है। इतना काफ़ी है आपका समझाने के लिए कि एजेंट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, इसको भी आप नोट कीजिए। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 2 क्लोज 105 जो किसके बारे में था, सप्लायर। लेकिन सप्लायर पढ़ते पढ़ते हमने क्या पढ़ा, सप्लायर पढ़ते पढ़ते हमने एजेंट के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, इंटरमीडियरी के बारे में। इंटरमीडियरी को कहाँ पे डिफाइन है, 2 क्लोज 13 ऑफ आई जी एस टी एक्ट। और एजेंट कहाँ पे डिफाइन है आपका, सेक्शन 2 क्लोज 5 में। कहाँ पे, सेक्शन 2 क्लोज 5 में। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज 9(3). ये किसके बारे में है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है, ये बताया था सारा कुछ कहाँ से निकल रहा है, सप्लायर और रेसिपिएंट ने सेल परचेस किया, इसी में से ही आपके ये सारे चैप्टर्स निकले थे। ये सारे चैप्टर्स एग्जाम्पल कर ले, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, एजेंट, एजेंट क्या करता है, गुड्स रिसीव करता है सप्लायर के
सप्लायर से और फिर आके रेसिपिएंट को सप्लाई करता है। लेकिन अगर सप्लायर को ही गुड्स चाहिए तो सप्लायर कौन बन जाएगा? रेसिपिएंट। यहाँ पे एक सप्लायर यानी कि एजेंट क्या करेगा, रेसिपिएंट के बिहाफ पे गुड्स रिसीव करेगा सप्लायर से और फिर आगे रेसिपिएंट को देगा। यानी कि ये देखा जाएगा कि एजेंट कहाँ पर है, एजेंट गुड्स खरीदने के लिए इसको रखा गया कि आगे इसको बेचने के लिए रखा गया। अगर खरीदने के लिए रखा गया है, क्या खरीदने के लिए, तो यहाँ पे एजेंट कौन बन जाएगा? रेसिपिएंट। और अगर एजेंट रखा गया आगे गुड्स सप्लाई करने के लिए, क्या यहाँ पे एजेंट रखा गया है सप्लायर के द्वारा आगे गुड्स सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे इसने किसको दिया इसको, फिर इसने इसको सप्लाई किया, तो इसके लिए एजेंट कौन बन गया? सप्लायर। एजेंट कौन बन गया? सप्लायर। एजेंट कौन बन गया? सप्लायर। लेकिन इस वाले केस में एजेंट किस लिए रखा गया है? इसने एजेंट रखा है कि आप उससे सामान लो और फिर मुझे दो, तो यहाँ पे किसके लिए? यहाँ पे रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने इसको रखा है सामान रिसीव करने के लिए, तो एजेंट रेसिपिएंट भी हो सकता है और एजेंट सप्लायर भी हो सकता है। अगर रिसीव करने के रखा गया है, अगर रिसीव करने के लिए रखा गया है तो एजेंट कौन होगा? रेसिपिएंट। और सप्लाई करने के लिए रखा गया है तो एजेंट कौन होगा? सप्लायर। जैसे यहाँ पे मैं डेफिनेशन में क्या लिखा था, सप्लायर तो सप्लायर है ही, एजेंट भी सप्लायर है। उसी तरह जब हम रेसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या रेसिपिएंट की, तो यहाँ पे रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, एजेंट भी कौन है? रेसिपिएंट। कौन? एजेंट भी कौन है? रेसिपिएंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एजेंट हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ये यानी कि ये सप्लाई के लिए भी हो सकता है और रिसिप्ट के लिए भी हो सकता है। तो सप्लायर है ही, एजेंट भी सप्लायर है, और रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, एजेंट भी रेसिपिएंट है। और अब हम इसको पढ़ेंगे रेसिपिएंट को, तो एजेंट ने भी लिखा है कि ये सप्लायर भी हो सकता है, रेसिपिएंट भी हो सकता है, और रेसिपिएंट की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि एजेंट रेसिपिएंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था एजेंट रेसिपिएंट भी हो सकता है और सप्लायर भी हो सकता है, उसी तरह सप्लायर ने भी लिखा था एजेंट सप्लायर होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, एजेंट तो रेसिपिएंट भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है। उसी तरह रेसिपिएंट पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा होगा कि एजेंट रेसिपिएंट भी हो सकता है। तो सप्लायर है, एजेंट भी सप्लायर है, रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है, एजेंट भी रेसिपिएंट है। तो इस लाइन को भी लिख लेते हैं हम साथ में, सप्लायर क्रक्स, सप्लायर तो सप्लायर है ही, एजेंट भी सप्लायर है, रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, एजेंट भी रेसिपिएंट है। ये देखिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सप्लायर पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मींस, जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एक वर्ड और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड, क्या लिखा हुआ, एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड। जैसे यहाँ पे सप्लायर में क्या लिखा था, शैल इंक्लूड एन एजेंट,
से यहाँ पे सप्लायर में क्या लिखा था, सेल इंक्लूड एन एजेंट, सेल इंक्लूड एन एजेंट। उसी तरह रेसिपिएंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल इंक्लूड एन एजेंट, यानी कि सप्लायर तो सप्लायर है ही, एजेंट भी सप्लायर है, रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, एजेंट भी रेसिपिएंट है। और रेसिपिएंट कौन है, ए बी सी, ये तीनों कौन है, रेसिपिएंट। तो ये आपके बुक पे पेज नंबर 2.6 पे, यहाँ पे रेसिपिएंट कौन, वेयर कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द पर्सन हु इज लाइबल टू पे डेट कंसिडरेशन। अगर सप्लाई के अगेंस्ट में कंसिडरेशन जा रहा है तो जो पर्सन लाइबल है कंसिडरेशन पे करने के लिए वो कौन होगा, रेसिपिएंट। यहाँ पे क्या, गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस दी जा रही है और किसके बदले, कंसिडरेशन के बदले, तो यहाँ पे जो लाइबल होगा कंसिडरेशन पे करने के लिए वो कौन होगा, रेसिपिएंट। लेकिन वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, और यहाँ पे क्या है, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों है, अगर पैसा आ रहा है कंसिडरेशन आ रहा है, अगर कंसिडरेशन नहीं आ रहा है तो गुड्स है तो बी पढ़ेंगे और सर्विस है तो सी पढ़ेंगे। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड, यानी कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो देखा जाएगा गुड्स हम किसको डिलीवर कर रहे हैं या किसको हम अवेलेबल करवा रहे हैं या फिर हम किसको पोजेशन दे रहे हैं, या यूज़ ऑफ द गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल, यानी कि गुड्स किसको डिलीवर कर रहे हैं चेक करेंगे, या फिर वो गुड्स किसके पोजेशन में जा रहा है उसको चेक करेंगे, या चेक करेंगे कि वो गुड्स कौन यूज़ करने वाला है, तो जो भी होगा उसको हम क्या बोल देंगे, रेसिपिएंट। अगर सेम सर्विस वाला केस है, कंसिडरेशन नहीं है फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, देन पर्सन टू whom द सर्विस इज rendered, यानी कि जिसको सर्विस दे रहे हैं वो कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट। फिर यहाँ पे एक और लाइन लिखो, एंड एनी रेफरेंस टू ए पर्सन टू whom ए सप्लाई इज मेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, कुछ छूट ना जाए यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा लिख दें यहाँ पे, एनी रेफरेंस टू ए पर्सन टू whom सप्लाई इज मेड। अगर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो आपने गुड्स दिया या आपने सर्विस दिया, किसी को तो दिया होगा ना आपने, तो वही पर्सन कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट। और फिर यहाँ पे एक लिख दिया वही एजेंट, तो रेसिपिएंट, रेसिपिएंट तो ये है ही लेकिन एजेंट भी कौन है, रेसिपिएंट। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। मैं आपको रेसिपिएंट मीन्स, देखिए यहाँ पे क्लोज ए, यहाँ पे लिख दीजिए अगर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन इज पेबल, यानी कि फ्री में नहीं जा रही गुड्स या सर्विस, कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो यहाँ पे कौन बनेगा, रेसिपिएंट, द पर्सन हु इज लायबल टू पे डेट कंसीडरेशन, जो लायबल है पे करने के लिए वो कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट। बी के कहते हैं यहाँ पे क्या है, नो कंसीडरेशन, और यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे रेसिपिएंट कौन बनेगा, तो यहाँ पे रेसिपिएंट बनेगा द पर्सन, द पर्सन टू होम
जिसको जो गुड्स आर डिलीवर्ड टू होम पोजेशन टू होम पोजेशन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन, जिसको पोजेशन देंगे या जिसको यूज ऑफ गुड्स का राइट क्या करेंगे, मेड अवेलेबल, क्या राइट मेड अवेलेबल, जो पर्सन उसको यूज करेगा वो कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट, कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट। उसी तरह क्लॉज सी, इसमें क्या है, नो कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर कोई सर्विस सप्लाई की जा रही है, पता लगा आपको कि गुड्स और सर्विस में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि रेट अलग है, उस पर प्रोविजन्स अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रेट, वैल्यू, हर एक चीज़ का, FCM में, RCM में, मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, हर एक चीज़ का उसमें डिफरेंस है, लेकिन गवर्नमेंट को जाता हाफ ही हाफ है, नो कंसिडरेशन, और क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो यहाँ पे रेसिपिएंट कौन बनेगा, यहाँ पे रेसिपिएंट बनेगा द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंटेड, मतलब जिसको सर्विस दी जा रही है। अगर मैं किसी को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो किसी को तो पढ़ा रहा हूँ, तो वही पर्सन कौन बन जाएगा, रेसिपिएंट। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड इंक्लूड एजेंट, रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है, एजेंट भी रेसिपिएंट है। और फिर यहाँ पे एक और था, एंड जो मैंने था, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लिख दिया है कि मान लो कहीं ऊपर कवर ना हो तो उसको यहाँ पे कवर कर लेगी, क्योंकि आप गुड्स से सर्विस किसी को तो दे रहे होगे ना, तो वही बन जाएगा रेसिपिएंट। एनी रेफरेंस टू ए पर्सन, टू ए पर्सन टू होम, एनी रेफरेंस टू ए पर्सन टू होम ए सप्लाई इज मेड सेल बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे वही लाइन लेते, रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, एजेंट भी रेसिपिएंट है। इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं, रिसीवर ऑफ गुड्स, यहाँ पे लिख लीजिए रिसीवर ऑफ सर्विसेज, रिसीवर ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं है, यहाँ भी कंसीडरेशन नहीं है, और यहाँ पे कंसीडरेशन था।
पाइए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, ये कहाँ पे अपना डिफाइन है 2105, मुझे कहाँ पे अपना था 293। अब जैसा हम पीछे एग्जांपल करते थे कि दिल्ली से दिल्ली था, तो उसको ये बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे यूटी, या एक स्टेट से दूसरे यूटी, तो इसको हम क्या बोलते थे? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते थे? इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये हम किसका चेक करते थे? ये हम चेक करते थे सप्लायर का, और ये हम किसका चेक करते थे? हम रेसिपिएंट का, कि जो सप्लायर कर रहा है, जो सप्लायर वो सप्लाई कहाँ से कर रहा है, और जो रेसिपिएंट है वो रिसीव कहाँ कर रहे हैं। क्या सप्लायर सप्लाई कहाँ से कर रहा है और रेसिपिएंट सप्लाई रिसीव कहाँ कर रहा है? क्या सप्लायर सप्लाई कहाँ से कर रहा है और रेसिपिएंट सप्लाई रिसीव कहाँ कर रहा है? इसको हम जीएसटी में क्या बोलते हैं? लोकेशन ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? लोकेशन ऑफ बिजनेस। और एक और नाम है, वो क्या नाम है? प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या नाम है? प्लेस ऑफ बिजनेस। और इसको क्या बोलते हैं हम? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस में क्या नाम देते हैं इसको हम? इसको हम नाम देते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, POBLOB, लोकेशन ऑफ बिजनेस, या लोकेशन ऑफ सप्लायर, या प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या एक और नाम लिख लीजिए आप? लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसको किस किस नाम से जानते हैं? लोकेशन ऑफ बिजनेस LOB, लोकेशन ऑफ सप्लायर LOS, और प्लेस ऑफ बिजनेस POB, और रेसिपिएंट सप्लाई रिसीव कहाँ कर रहा है, इसको हम जीएसटी में क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि POS। क्या POS? तो आपको नॉर्मली क्या मिलेगा? प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। क्या प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, या कभी कभी यूज़ होगा लोकेशन ऑफ बिजनेस या लोकेशन ऑफ सप्लाई, ज़्यादातर यूज़ होता है प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, इसको आप नोट कीजिए। नोट करना चाहे तो कुछ नोट कर लीजिए इसमें आप।
एग्जाम बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर, या एक और नाम हम देते हैं कि जैसे यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर है उसे यहाँ पे क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है जहाँ से सप्लाई की जा रही है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ जहाँ पे सप्लाई रिसीव की जा रही है। एक है प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नाम है लोकेशन ऑफ बिजनेस, या एल ओ बी, लोकेशन ऑफ बिजनेस कहाँ है। और प्लेस ऑफ बिजनेस पी ओ बी, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस, ये क्या होता है, ये भी डिफाइन है सी जी एस टी में, कहाँ पे डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज 85 में। और 284 में क्या था पर्सन, क्या था 284 में पर्सन, यहाँ पे था ना यहाँ पे एजेंट वाले में 284 में पर्सन था, यहाँ पे क्या है 285 में डिफाइन है क्या प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या डिफाइन है प्लेस ऑफ, इसको नोट कीजिए फिर प्लेस ऑफ बिजनेस का हम पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। और मैं बता, जब भी मैं कुछ ना बोलूँ आप क्या समझेंगे, आप सी जी एस टी एक्ट 2017, क्या सी जी एस टी एक्ट 2017 में डिफाइन है 285 में प्लेस ऑफ बिजनेस। नोट कर लिया आपने, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, यहाँ पे आप कीजिए क्लोज या सब क्लोज, सेक्शन 2 क्लोज 85 सब क्लोज ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए प्लेस, आप साथ साथ इसको नोट कर सकते हैं फिर इसको हम पढ़ते हैं, ए प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ordinarily carried on, क्या a place from where the business is ordinarily carried on and includes a warehouse, a godown or any other place where a taxable
ए प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डनरी कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स अ वेयर हाउस गोडाउन और एनी अदर प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स। और यहाँ पे और लिखिए, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स, और लिखिए यहाँ पे सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और फिर यहाँ पे और लिखा, आप लिखिए यहाँ पे और रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि एक ऐसा प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डरिंग कैरिड ऑन, एक कोई बिजनेस होगा जहाँ से आप बिजनेस करते होंगे, जैसे मैं बताया था क्या था, एक पेंट शॉप थी, क्या थी, पेंट शॉप, जहाँ से वो क्या करता है, अपना बिजनेस करता है, वो क्या करता है, यहाँ से बिजनेस करता है अपना, तो ये पेंट शॉप क्या हो गया, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो गया, ये उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या बन गया, प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन जिस पेंट शॉप से वो बिजनेस कर रहा है, जहाँ पे वो खुद बैठता है, जहाँ पे ओनर बैठता है, क्या पे ओनर कहाँ पे बैठता है, शॉप पर, एक तो वो शॉप उसकी क्या हो गई, प्लेस ऑफ पीछे जहाँ से वो बिजनेस कर रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंड इंक्लूड्स ए वेयर हाउस और गोडाउन, जब भी वो गुड्स परचेस करता होगा तो वो दुकान पर नहीं रखता, वो क्या करता है अपना, मान लीजिए एक प्लेस है, एक प्लेस है जहाँ पे वो ये एक प्लेस है यहाँ पे वो गुड्स को क्या करता है, रिसीव करता है, क्या गुड्स रिसीव, कोई भी वो गुड्स मंगवाता है तो पहले वो इस प्लेस पे मंगवाता है और फिर यहाँ से क्या कर देता है, अपना गुड्स ट्रांसफर कर देता है, कहाँ पे, अपने गोडाउन में, कहाँ पे, गोडाउन में, ये है खिड़की, गोडाउन के कहाँ पे कर देता है, ये कौन सा प्लेस है उसका, गोडाउन, ये बोल सकते हैं आप वेयर हाउस, हो सकता हो जहाँ से बिजनेस कर रहा है कोई, उसने गुड्स ऑर्डर किया, कोई नया उसने नया ऑर्डर किया, तो हो सकता है वो कोई इस ऐसे प्लेस पे पहले गुड्स रिसीव करे, वो ट्रक कहाँ पे आएगा, वो ट्रक सामान लेके आएगा इस जगह पे, फिर वो यहाँ से सारा कुछ चेक करेगा, फिर कहाँ पे भेज देगा, यहाँ पे, या हो सकता है वो डायरेक्ट अपने गोडाउन या वेयर हाउस में ही ट्रक को सामान मंगा लेता हो, कुछ दुकानदार जो छोटे दुकान वाले होते क्या, तो अपनी दुकान पे सामान को उतरवाते, कुछ लोग होते हैं जो अपने सीधा गोडाउन में, कुछ लोग होते हैं एक प्लेस पे, फिर उस प्लेस से कहाँ पे भेज देंगे, गोडाउन में, और ये सारे इनका कौन, एक ये जो भी इनका है गोडाउन, ये सारा इनका 2 किलोमीटर के रेंज में होता है, क्या होता है, 2 किलोमीटर के रेंज में, ऐसा नहीं कि एक यहाँ है एक दूसरा बहुत दूर है, ऐसा नहीं, 2 किलोमीटर के रेंज में, जैसे शॉप है यहाँ से वो क्या सप्लाई कर रहा है, B2C, क्या B2C, कोई छोटा ऑर्डर है, क्या कोई स्मॉल ऑर्डर है यहाँ पे, तो यहीं से दुकान से सेल कर देता है, लेकिन कोई बड़ा ऑर्डर है, कोई B2B वाला, क्योंकि B2B वाला ज़्यादा सामान खरीदेगा, तो क्या करेगा वो अपने B2B वाला सामान यहाँ से सेल करेगा, क्या यहाँ से, क्योंकि होता है बिग ऑर्डर होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से नहीं सेल कर सकता, वो छोटा मोटा जो एक दो बाल्टी या कुछ भी हो तो उसने यहाँ से दे दिया, किसी को 50 बाल्टी चाहिए तो क्या बोलेगा, जाओ गोडाउन में, मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ पे आपका आपको सामान मिल जाएगा। तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, जहाँ से आप ऑर्डरी बिजनेस कर रहे हैं, इंक्लूड्स गोडाउन वेयर हाउस एनी अदर प्लेस, ये क्या होगा, गोडाउन या वेयर हाउस या कोई भी ऐसा कोई अदर प्लेस जहाँ पे टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन वो क्या कर रहा है, गुड्स को स्टोर कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, जैसे यहाँ पे गुड्स क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, यहाँ पे भी गुड्स क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और यहीं से क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, इसलिए बताते हैं यहाँ से B2C सप्लाई कर रहा है, यहाँ से B2B, या तो वो स्टोर कर रहा है, यहाँ पे स्टोर भी कर रहा है, यहाँ से सप्लाई भी कर रहा है, यानी कि
कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज जहाँ से बिजनेस कर रहा है, इंक्लूड वेयर हाउस, गोडाउन या कोई भी एनी अदर प्लेस जहाँ से टेक्सटाइल पर्सन गुड्स को स्टोर करता हो या वहाँ से सप्लाईज करता हो। क्या करता हो? सप्लाई, यहीं पे रिसीव भी करे, यहीं से सप्लाई करे। छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, वो यहाँ पे रिसीव करता है, फिर यहाँ से सप्लाई करता है, यहाँ से भी सप्लाई करता है। तो उसने क्या बोला, वेयर ए टेक्सटाइल पर्सन स्टोर हिज गुड्स, सप्लाईज गुड्स और सर्विस और बोथ। और यहाँ पे क्या लिखा, रिसीव गुड्स और सर्विस और बोथ, यहीं पर रिसीव भी करता है, यहीं से वो सप्लाई भी करता है। ऐसे तो है नहीं कि कहीं और यहाँ पे रिसीव कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कैसे भी कर सकते हो आप। मतलब जहाँ पर भी वो रिसीव कर रहा है गुड्स सर्विस या जहाँ से वो सप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेस ऑफ बिजनेस। जहाँ भी वो रिसीव कर रहा है क्या, गुड्स या सर्विसेज, या जहाँ से वो सप्लाई कर रहा है क्या, गुड्स या सर्विस, या जहाँ पे भी वो स्टोर कर रहा है क्या, गुड्स या सर्विसेज। उन सारे प्लेस को हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम सब क्लोज भी पढ़ते हैं। वही पढ़ते हैं क्लॉज पी। मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं मिला है, ठीक, तो हम कहाँ पे आएंगे, ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। हो सकता है यहाँ पे जो भी सेल हो रहा हो, यहाँ पे जो भी सेल हो रहा है, यहाँ पे जो रिसिप्ट हो रहा है या सेल हो रहा है, क्या रिसिप्ट हो रहा है या सेल हो रहा है, तो जो भी रिसिप्ट करते हैं तो इनवॉइस रिसिव करेंगे, और आगे सेल करेंगे तो इनवॉइस इशू करेंगे। तो सारे जो इनवॉइसेस है, जो भी है बिल्स है, वो कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ पे, कहाँ पे मेंटेन कर रहे। हो सकता है उन्होंने एक और प्लेस बना रखा हो, ये है प्लेस, ठीक, ये प्लेस कौन सा है इनका, ऑफिस। कि जो भी हम सेल परचेज या जो भी बिल होगा हम कहाँ पे, यहाँ पर मेंटेन करेंगे, प्लेस ऑफिस में क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी इनका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। या हो सकता है कि ये लोग खुद मेंटेन ना करते हो, इन्होंने क्या रखा हो, सीए हायर किया हो, क्या सीए हायर किया हो, और सारे बिल कहाँ पे मेंटेन होते हैं, यहाँ पे सारे बिल कहाँ पे मेंटेन होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन होते हैं, यहाँ पे। सेल बिल, परचेज बिल, या कोई भी और कॉस्टिंग का जो भी है इनका, या कोई भी वाउचर से कहाँ पे मेंटेन हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन हो रहा है, सीए ऑफिस में। तो ये भी का क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। छोटे व्यापारी तो यहीं पे छोटी दुकान पे रिसीव करते, यहीं से सप्लाई करते, यहीं पे बुक्स मेंटेन करता है। लेकिन हो सकता है कोई बुक्स अपनी किसी और ऑफिस बना के वहाँ पे मेंटेन कर रहा हो, या फिर वो खुद ना करके उसने सीए हायर किया, वो मेंटेन कर रहा हो, तो भी उसका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इसको भी आप नोट कीजिए।
ए प्लेस वेयर इट टैक्सेबल पर्सन इज इंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड बाय वट एवर नेम कॉल्ड। जैसे मैंने बताया था सप्लायर तो सप्लायर है ही, एजेंट भी कौन है सप्लायर, रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, एजेंट भी रेसिपिएंट है। मान लीजिए उनको कोई प्लेस हो क्लोज ए में, सब क्लोज ए में या सब क्लोज बी में भी नहीं मिला तो उसको कहाँ पे सब क्लोज सी, इसको भी इंक्लूड कर लिया, यानी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या कुछ भी नहीं छोड़ा? ए प्लेस वेर टैक्सेबल पर्सन इज इंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट, अगर उसका कोई एजेंट है, क्या एजेंट है, और उस एजेंट टैक्सेबल पर्सन इज इंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट, ए प्लेस अगर कोई एजेंट का प्लेस है, क्या एजेंट का प्लेस है जहाँ से वो सप्लायर क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है, क्या कोई एजेंट का प्लेस है जहाँ से वो सप्लायर क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है, या क्या कर या क्या है वो इंगेज्ड है, इंगेज्ड इन बिजनेस, क्या इंगेज्ड इन बिजनेस। तो इस प्लेस को भी क्या मान लेंगे हम, प्लेस ऑफ बिजनेस। इसे लिखा ना ए प्लेस वेर टैक्सेबल पर्सन इज इंगेज्ड इन बिजनेस, एजेंट का कोई प्लेस है जहाँ से सप्लायर सप्लाई करे या फिर इंगेज्ड इन बिजनेस में, कौन से प्लेस से, एजेंट वाले प्लेस से, तो उस प्लेस को भी हम क्या मान लेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इसको भी आप नोट कीजिए हमने क्या पढ़ा 285 में प्लेस ऑफ बिजनेस सेक्शन 2 क्लोज 85 सब क्लोज ए फिर सब क्लोज बी और ये सब क्लोज सी, इसको भी नोट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कुछ ना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, इसको भी आप नोट कीजिए। तो हमने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस का जो डेफिनेशन कवर कर लिया है। साथ में एक चीज आप और नोट कीजिए, ये कुछ नहीं एक सिंपल से फॉर्मेलिटी है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप यहाँ से भी काम कर रहे हो, आप यहाँ से भी काम कर रहे हो, आप पेंट शॉप से भी काम कर रहे हो, आप गोडाउन से भी काम कर रहे हो, आप यहाँ भी गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहे हो, यहाँ से भी गुड्स सर्विस सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर भी आप गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहे हो, यहाँ से भी आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कुछ नहीं आप सिंपल से काम कीजिए, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ये भी है, ये भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, मान लीजिए एक और प्लेस है तो ये भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब हमको सिंपल सा बता दीजिए कि आप कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस पर ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, कहाँ पर ज़्यादातर बैठते हैं। कुछ नहीं करना अब किसी भी को भी कोच किसी भी प्लेस को क्या बोल सकते हैं अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, किसी एक प्लेस ऑफ बिजनेस को आप क्या डिफाइन कर दीजिए अपना PPOB, किसी भी एक को क्या डिफाइन कर दीजिए आप कि ये हमारा PPOB क्या हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा, और बाकी जो भी प्लेस है आपका 1, 2, 3 या ये वाला कुछ भी कितने ही प्लेस आपके हैं तो उसको क्या डिफाइन कर दीजिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास 4 प्लेस है तो एक को आप क्या कीजिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और 3 को क्या कीजिए आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास 1 है
तो वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास चार हैं तो एक क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी तीन क्या बन जाएंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता सकते हैं। अगर आपके पास एक ही है प्लेस ऑफ बिजनेस तो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस प्लस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास दो प्लेस ऑफ बिजनेस तो एक बन जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक बन जाएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास 10 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो एक बन जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और 9 बन जाएंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कुछ नहीं है, एक सिंपल सा आपको खाली बता देना है कि ये हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और ये आपके जीएसटी जो सर्टिफिकेट होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट इस पर क्या होगा, ये मेंशन होगा, क्या होगा मेंशन, जो भी जीएसटी सर्टिफिकेट होगा उस पर क्या होगा ये मेंशन होगा कि ये आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है और ये आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर आप यहाँ से भी सप्लाई कर रहे हो, यहाँ से भी सप्लाई कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर दीजिए, नहीं तो आपको फाइन लग सकता है प्रैक्टिकली। तो अगर यहाँ से सप्लाई करते तो यहाँ पे इसको आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर दीजिए। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से भी सप्लाई करते लेकिन उसको ऐड नहीं करते, तो गलत है ऐसा, तो इसको आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कीजिए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और कोशिश आप ये कीजिए कि जहाँ पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, क्या मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, उसी को आप क्या बनाइए अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या जहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो उसी को आप क्या बनाइए अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी सबको क्या बना दीजिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आई होप इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, और कोशिश करिए जो आप में जहाँ पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो उसी को बनाइए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी क्या बनाइए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। नोट कीजिए इसको फटाफट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक क्या पढ़ा, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। फिर हमने क्या पढ़ा, सप्लायर सप्लाई कहाँ से कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। और रेसिपिएंट जहाँ पे सप्लाई रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर हमने पढ़ा जहाँ से वो क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर हमने क्या पढ़ा प्लेस ऑफ बिजनेस, ये हमने क्या पढ़ा प्लेस ऑफ बिजनेस। अब इसको नोट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सप्लायर कौन है, फिर हमने क्या पढ़ा रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है रेसिपिएंट कौन है, जहाँ से सप्लाई करेगा उसको क्या बोलेंगे हम प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। और जहाँ पे ये गुड्स या सर्विस रिसीव करेगा सप्लाई उसको क्या बोलेंगे हम
प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, चाहे वो गुड्स सप्लाई करें, चाहे वो सर्विस सप्लाई करें, चाहे वो बोथ, ठीक, दोनों, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो चाहे बोथ हो, तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हमने पढ़ ले, क्या प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ, रिसीव गुड्स और सर्विस और बोथ, यानी कि गुड्स या सर्विस चाहे वो सप्लाई कर रहा है चाहे वो गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, क्या उस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जहाँ से वो गुड्स या सर्विस या बोथ सप्लाई करता है, या जहाँ पे वो गुड्स या सर्विस और बोथ क्या करता है, रिसीव करता है, RECEI रिसीव करता है, जो क्या बोलते हैं हम प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस। इस बात में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा, ऐड यहाँ पे ऐड, और एक यहाँ पे ऐड, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। अभी आप इस वाले पार्ट में मत जाइए, आप इसी पार्ट पे रहिए, क्या बोला, सप्लायर, जहाँ से सप्लाई करते उसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर हमने प्लेस ऑफ बिजनेस पढ़ा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या, जहाँ से वो गुड्स या सर्विस या बोथ सप्लाई कर रहा है, जहाँ से गुड्स या सर्विस और बोथ रिसीव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम प्लेस ऑफ बिजनेस। सर आपने ये क्या नया चीज लिख दिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, जो कि यहाँ पे क्या मैंने होता है, गुड्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस, जब सर्विस यहाँ पे कवर हो चुका है, क्या सर्विस यहाँ पे कवर हो चुका है, तो आपने लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, क्या लोकेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या बोलते हैं, एक और नाम है जानते हैं हम, लोकेशन ऑफ सप्लायर के नाम से भी जानते हैं, क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, क्या, जबकि यहाँ पे गुड्स या सर्विस कवर्ड हो चुका है, क्या गुड्स या सर्विस दोनों कवर्ड हो चुका है, तो हमने सर्विस की बात अलग से क्यों करी, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डर था कि ये जो कॉमन है इसमें गुड्स और सर्विस दोनों की बात हुई है, लेकिन उनको डर था कि जो सर्विस है या सर्विस को पकड़ना मुश्किल है, गुड्स क्या होता है, कहीं कुछ ना कुछ गुड्स होता है, किसी ना किसी ट्रक से जाएगा, कार से जाएगा, बाइक से जाएगा, कहीं ना कहीं किसी के पास तो जाएगा, लेकिन सर्विस क्या है, वो हम फ़ोन से या हम लेटर लिख कैसे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर मैं कह सकता हूँ प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं सर्विस वाले केस में कहीं कम ना पड़ जाए, ये कॉमन है, क्या कॉमन है, जबकि अपने आप में सफिशियंट है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ये अपने आप में सफिशियंट है, क्या सफिशियंट है दोनों के केस में, गुड्स और सर्विस के केस में, लेकिन गवर्नमेंट को डर था कि कहीं ये सर्विस वाले केस में कम ना पड़ जाए, तो यहाँ पे कुछ और एडिशन में कुछ कंडीशन और लिख दिया, यहाँ पे कुछ एडिशन में कुछ और कंडीशंस और लिख दिया, क्या उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर ये तो है ही, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो है, लेकिन अगर आप सर्विस का काम कर रहे हैं, क्या सर्विस का काम, तो ये भी जो चीज़ होगा, क्या ये भी यहाँ पे जो चीज़ होगा वो भी क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो मैं कह सकता हूँ प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस में जो है वो तो है ही, क्या प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस में जो लिखा है वो तो प्लेस ऑफ बिजनेस है ही, प्लस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है, क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है, ये भी क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस, जबकि यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों कवर था, लेकिन कहीं ना कहीं डर था सर्विस वाले केस में कुछ कम ना पड़ जाए, तो अपने सेफ साइड के लिए, क्या सेफ साइड के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस ऐड कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ, मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस भी प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस,
प्लेस ऑफ बिजनेस है ही, प्लस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्या प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस को किस एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से हम जानते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर है ही, लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस भी लोकेशन ऑफ सप्लायर है। क्या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ही, लोकेशन ऑफ सप्लायर है ही, प्लस लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस भी प्लेस ऑफ बिजनेस है और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस भी लोकेशन ऑफ सप्लायर है। तो इतना आप नोट कीजिए, अगर आप ये नहीं पढ़ते तो भी इतना सफिशिएंट है, लेकिन इसको हम पढ़ लेंगे। उसी तरह यहाँ भी सर्विस वाले केस में कुछ छूट ना जाए रेसिपिएंट, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और सर्विस को भी यहाँ पे अलग से डिफाइन कर दिया। क्या यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और सर्विस को भी डिफाइन कर दिया, तो इसको भी आप नोट कीजिए। कहता प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जब हम ये वाला कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा था प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या कहा था प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसका अपना एक चैप्टर है आपका, मैं दिखा देता हूँ आपका अपना इसका चैप्टर है। प्लेस ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिया, लोकेशन ऑफ सप्लाई सर्विस हम पढ़ लेंगे, इससे हमारा क्या होगा प्लेस ऑफ बिजनेस पूरा 100% ये हमने पढ़ लिया, ये हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम पढ़ लेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और ये प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका आपका एक अलग से चैप्टर है। क्या पूरा ही चैप्टर मैं दिखा देता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए। अब तक कौन सा चैप्टर है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर 4। तो आप कौन सा चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 4 है आपका। तो क्या पढ़ना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाएगा नहीं तो। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसको भी अपने नेक्स्ट क्लास में कर, कौन से लेक्चर नंबर, लेक्चर नंबर 17 में सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, एजेंट कौन है और इंटरमीडियरी कौन है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा उसके बाद, जहाँ से सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस या लोकेशन ऑफ सप्लाई। और रेसिपिएंट सप्लाई रिसीव कहाँ कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या प्लेस ऑफ सप्लाई। ज़्यादातर आपको जीएसटी में जैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ये नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन जीएसटी में क्या ज़्यादातर यूज़ करते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या प्लेस ऑफ बिजनेस। ज़्यादातर आप क्या नाम सुनेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस, और इस तरह आप क्या ज़्यादातर नाम सुनेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि POS। फिर हमने क्या पढ़ा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ये हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल बताया था, ये कुछ नहीं, एक आप रिक्वायरमेंट ही बता दीजिए कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, और बाकी कोई भी अगर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस हो उसको क्या बोल देंगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर हम यहाँ पर आए थे, सप्लायर रेसिपिएंट हमारा हो गया था, प्लेस ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिया था, प्लेस ऑफ बिजनेस या लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, दोनों केस में हमने पढ़ लिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी सेफ साइड में इन केस ऑफ सर्विस, जैसे यहाँ पे जो हम डेफिनेशन पढ़ा था हमने उसमें गुड्स और सर्विस दोनों कवर है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने सेफ साइड के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ, या हम बोल सकते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस। तो सर्विस वाले केस में कुछ कंडीशंस और बता दिया, लेकिन सर्विस वाला यहाँ भी कवर है, लेकिन यहाँ पे कुछ और थोड़े बहुत कंडीशन बता दिया। तो यहाँ पे क्या प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ बिजनेस है ही, यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों कवर है, प्लस सर्विस के लिए कुछ छूट ना दे इसलिए कुछ और कंडीशन लगा के यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या बोला, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस, तो प्लेस ऑफ बिजनेस है ही, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। फिर यहाँ पे हमने क्या बताया था, प्लेस ऑफ सप्लाई, यह हमारा चैप्टर 4 है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक हमारा जैसे यहाँ पे भी गुड्स और सर्विस केस में कवर है, लेकिन यहाँ पे सेम, जैसे यहाँ पर भी सेफ साइड के लिए, वैसे यहाँ भी सेफ साइड के, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस में कुछ और कंडीशंस लगा दिया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई है ही, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस भी अपना प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई से हम क्या डिसाइड करेंगे, इससे हम क्या डिसाइड करेंगे कि वो इंट्रा स्टेट है या वो इंटर स्टेट है, क्या वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट। अगर सेम स्टेट में तो इंट्रा स्टेट, डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर स्टेट, डिफरेंट स्टेट में है तो क्या होगा, इंटर स्टेट। तब भी क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सेम स्टेट में, क्या सेम स्टेट में, यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और यहाँ पे क्या होगा, एक और इंटर स्टेट आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। जैसे मैंने बताया था आपको, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, DBT, या जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और GST इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में क्या होगा, कंज्यूम होगा उस स्टेट या कंट्री को क्या टैक्स मिलेगा। आपको समझ में आया, तुम क्या पढ़ते अपना सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, उसमें हमने 7 सब सेक्शन 1 इसमें कितने क्लोज थे, A, AA, B और C, सप्लाई इंक्लूड 7-1 क्या बोलते हैं, सप्लाई इंक्लूड A, AA, B और C, जो भी कुछ लिखा है उसको क्या मानेंगे हम, सप्लाई। क्लोज में क्या था,
ABC यानी कि एक्टिविटी प्लस बिजनेस प्लस कंसिड्रेशन। डबल ए में क्या था, एक्टिविटी बाय पर्सन टू इट्स मेंबर प्लस कंसिड्रेशन। इसको भी हम ऑडिटेड में पढ़ेंगे थोड़ा। ए मैंने क्या बताया था, 90% हमने पढ़ लिया इस डेफिनेशन को, 90% पढ़ लिया इसमें। 10% जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। और क्लोज बी में क्या लिखा हुआ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस, उसको हम सप्लाई मानेंगे। देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और क्लोज बी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आइए इसको कवर कर खत्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है आपका इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप बाहर से सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हैं चाहे, और आपने कंसिडरेशन दिया है चाहे बिजनेस पर्पस के लिए क्या हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए, उस पर हम सप्लाई मान लेंगे, उस पर हम GST चार्ज कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कोनोटेशन ऑफ सप्लाई गेट्स एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली थ्रू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 7 डेट इज 7(1)(b) विच ब्रिंग्स विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई द इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दिस इज ओनली द एक्सेप्शन टू द कंडीशन ऑफ सप्लाई बींग मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, क्या इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, कंसिडरेशन है और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, तो उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका, रमैया ए प्रोप्राइटर है रिसीव द आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज पर्सनल रेजिडेंस फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000। द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय रमैया इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b) थ्रू इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये क्या एग्जाम्पल है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, कौन कर रहा है, रमैया कर रहा है, रमैया इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, कौन सी सर्विस है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट सर्विस। और ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है न्यूयॉर्क से, कहाँ से, न्यूयॉर्क से, कहाँ से कर रहा है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, कौन रमैया कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, न्यूयॉर्क से। और ये कहाँ पे है, इंडिया में। और ये कौन है, रेसिपिएंट, और न्यूयॉर्क में यानी कि सप्लायर, सप्लायर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में यानी कि आउटसाइड इंडिया, क्या आउटसाइड इंडिया। कितने रुपए में कर रहा है ये, ₹5,000, ठीक है, यहाँ पे डॉलर है, आप इसको 5,000 रुपीज समझिए, ठीक। तो ये क्या, और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 5,000, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि वो पर्सनल पर्पस के लिए वो इम्पोर्ट कर रहा है सर्विस, कहाँ से कर रहा है, US यानी कि न्यूयॉर्क से। तो क्या ये सप्लाई बन जाएगा, हाँ ये सप्लाई बन जाएगा। कहाँ पे सप्लाई बनेगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और कौन से क्लोज में बनेगा, ये क्लोज बी में बनेगा। कहाँ पे, क्लोज बी में ये सप्लाई बनेगा और इस पर GST लग जाएगा, क्या लग जाएगा इस पर, GST। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि बाहर से सर्विस इम्पोर्ट की जा रही है। और देखिए नॉट इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी कि पर्सनल पर्पस के, तो भी इस पर GST लग जा रहा है। अगर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता तो भी ये सप्लाई बनता, तो भी इस पर GST लग जाता। तो अगर आप बाहर से कोई सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हो और अगर हमने पैसा दिया है तो उसको सप्लाई मान के उस पर GST लगा देंगे।
तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और नोट कर लीजिए आप, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। देखिए हर एक क्लोज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप सारी समझ लीजिए आपके लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की, एक दो तीन, क्या एक दो तीन, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, क्या सप्लायर आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे न्यूयॉर्क में बैठा है सप्लायर, यानी कि वो आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया। तो एक पहली कंडीशन पूरी हुई, सेकंड रेसिपिएंट लोकेशन इनसाइड इंडिया, क्या रेसिपिएंट लोकेशन इनसाइड इंडिया, जो रमैया है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे, इनसाइड इंडिया में, क्या इनसाइड इंडिया में, इंडिया में। और थर्ड आप लिखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में, क्या। अभी हमने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई से ये डिसाइड होता है कि वो इंटर स्टेट है कि इंटर स्टेट है। और अगर मालूम पड़ गया कि मान लीजिए यहाँ पे था न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे क्या था, इंडिया, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, इंडिया में। तो ये क्या बन गया, इंटर स्टेट सप्लाई, क्या बन गया, इंटर स्टेट सप्लाई, कंट्री से कंट्री में हो रहा है। और जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जैसे पता लगा कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, इंडिया में, और जहाँ भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जिस भी कंट्री में, जिस भी कंट्री में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, टैक्स उसी कंट्री को मिलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई किस काम आता है, डिसाइड करने के लिए, वो इंटर स्टेट है कि इंटर स्टेट, और जिस भी कंट्री में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसी कंट्री को क्या मिलेगा, टैक्स। क्यों, क्योंकि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर आप इसको यहाँ भी नोट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट लोकेशन इनसाइड इंडिया है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, इंडिया में, तो वो क्या बन जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय रमैया फ्रॉम ए पर्सन, जो सप्लायर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, कौन सी सर्विस ले रहा है, आर्किटेक्ट। तो ये क्या बन गया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। और क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इनसाइड इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, इंडिया में। तो ये क्या बन गया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है और प्लस कंसीडरेशन है, क्या है, कंसीडरेशन है। तो क्या बन गया, सप्लाई, उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी। तो इसको भी आप नोट कीजिए, न्यूयॉर्क का अपना ओरिजिन और इंडिया का अपना डेस्टिनेशन। आप इस बात में मत जाइए टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, जीएसटी कौन देगा, उस पर मत जाइए, आप पहले इतना समझिए सप्लाई बनेगा और उस पर जीएसटी लगेगा। जब आप चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे अपना चार्ज वाला सेक्शन, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा जीएसटी कैसे कौन देगा, ये देगा जो न्यूयॉर्क वाला सप्लायर देगा, देखिए जीएसटी तो यही देगा, ठीक। आप देखा जाएगा जीएसटी भरेगा कौन, यह क्या, ये 5,000 रुपये से मान लीजिए 1,000 रुपये जीएसटी बनता है, 1,000 रुपये जीएसटी, क्या ये 5,000 रुपये इसको देगा और 1,000 रुपये खुद जमा करेगा,
या 6,000 रुपये इसको देगा सप्लायर को, ये 5,000 अपने पास रखेगा, 1,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करेगा। जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे अपना 4 वाला, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक का समझ में आया होगा, उसको नोट कर लीजिए। सिंपल से रखिए, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है प्लस कंसिडरेशन है, चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज पर, सप्लाई मन के उस पर GST लग जाएगा। कर लिया नोट आपने? तो हमने सप्लायर पढ़ लिया, रेसिपिएंट पढ़ लिया, एजेंट पढ़ लिया, इंटरमीडियरी पढ़ लिया। अभी एजेंट और इंटरमीडियरी पे हम एक बार फिर से बात करेंगे। एक पॉइंट मैं आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा, जिससे आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि GST का कुछ यहाँ पे है कॉन्सेप्ट, वो आपके माइंड में आया होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, अगर माइंड में नहीं आया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा अपना, प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब हमको क्या पढ़ना है, प्लेस ऑफ सप्लाई इसका चैप्टर है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस वो यहाँ भी कवर हो गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, बेसिक्स है, तो यहाँ पे पढ़ लेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा। इसको पढ़ लेंगे और वो तो अपना चैप्टर है ही अपना। यहाँ पे हमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस, ये हमने पढ़ लिया, और ये वाला एग्जांपल भी हमने कर लिया है। अब एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन टीम सप्लाई, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पैरा नंबर 1 2 3 और 4 यानी कि ये है अपना शेड्यूल। क्या अपना है शेड्यूल 1, यहाँ पर आप देखेंगे अपना सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए और क्लोज डबल ए, ये हमने पढ़ लिया। अभी थोड़ा बहुत हम 10% जो बचा है वो भी हम पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे बी कौन सा था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन चाहे बिजनेस पर्पज या पर्सनल पर्पज, ये भी हमने पढ़ लिया, वो भी सप्लाई बनेगा। और फिर क्या है यहाँ पे कौन सा, सेवन सबसेक्शन 1 क्लोज सी ए एक्टिविटीज रेफर इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानेंगे। कोई यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, कितनी एक्टिविटीज़ है मैंने बताया, 1 2 3 4, चार पैरा यहाँ पे, कितने पैरा, चार, वो चार पैरा कहाँ पे डिफाइन है, इन शेड्यूल 1 में, तो यानी कि एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मान लेंगे। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, ये क्या बोलते हैं एक्टिविटीज, तो कहाँ पे है, रेफर इन शेड्यूल 1, कहाँ पे, रेफर इन शेड्यूल 1, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है, क्या विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसको भी हम क्या सप्लाई मान लेंगे, क्या उसको हम सप्लाई मान लेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको सप्लाई मानो या ना मानो उसको हम सप्लाई मानेंगे, यानी कि डीम्ड सप्लाई, क्या डीम्ड सप्लाई, यानी कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, या मैं बोल सकता हूँ शेड्यूल 1, क्या शेड्यूल 1, यहाँ पे क्या है डीम्ड सप्लाई, क्या है डीम्ड सप्लाई, शेड्यूल 1 में कितने पैरा है, 1 2 3 4, टोटल कितने पैरा, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा विदाउट कंसिडरेशन, क्या होगा विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे, क्या फिर भी उसको हम
सप्लाई मान लेंगे। तो इसमें अपना पैरा वन कौन सा था, यानी कि शेड्यूल वन में जो भी बातें लिखी हुई, क्या जो भी बातें लिखी हुई हैं, कौन सी बातें, पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री और पैरा फोर। पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री या पैरा फोर, या पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्या पॉइंट्स या पैरा, यानी कि ये वाली एक्टिविटी जो पैरा में लिखी हुई है, पॉइंट्स में लिखी हुई है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो अपना पैरा या पॉइंट कौन सा, वन, पैरा या पॉइंट वन। यहाँ पे क्या लिखा हो, परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, क्या परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेयर ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, क्या ऑन सच एसेट्स। जैसे मैंने पीछे को बताया था, जब आप परचेस करते क्या करते हैं, परचेस, फिर आगे आप क्या करते हैं, सेल। परचेस भी क्या है अपना सप्लाई, सेल भी क्या है अपना सप्लाई। जब आपने मिस्टर ए से क्या किया परचेस, किसने किया मिस्टर बीन, और किसको सेल किया मिस्टर सी को। तो यहाँ पे अगर 1000 का गुड्स है वैल्यू, तो उस पर मान लीजिए 100 रुपीज़ का GST पे किया होगा, क्या GST पे किया होगा। फिर यहाँ पे एग्जूम के 2000 का सेल किया, तो उस पर 200 रुपये GST कलेक्ट किया होगा। यहाँ पे 100 रुपये GST पे बाय मिस्टर बी, और यहाँ पे 200 रुपीज़ GST कलेक्टेड बाय मिस्टर बी। यहाँ पे 200 रुपये क्या है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, क्या है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और 100 रुपीज़ क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यानी कि क्या होता था यहाँ पे, अब 100 रुपये ही नेट गवर्नमेंट को पे करना होता था मिस्टर बी को। तो गवर्नमेंट बोलता, जब तुम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देने आओगे, जब तुम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देने आओगे, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लेना, क्या इनपुट टैक्स का बेनिफिट या क्रेडिट ले लेना। जब तुम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देने आना, यानी कि 200 रुपये जब देने आना, तब तुम मिस्टर बी 100 रुपीज़ का इनपुट टैक्स बेनिफिट या क्रेडिट ले लेना। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाया था कि जब तुम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देने आओगे, तभी हम आपको इसका बेनिफिट देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे हो क्या रहा था, मिस्टर बी ने क्या किया था, परचेस किया था, क्या मान लीजिए परचेस किया लैपटॉप या परचेस किया कोई मोबाइल, इस पे GST पे किया और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, ठीक, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने किसी ट्रस्ट को क्या दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट,
क्या दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है ये इन्होंने मिस्टर सी को भी सेल किया, मिस्टर कोई डी है इनको भी सेल किया, तो ये जैसे बहुत सारे लैपटॉप खरीदे, बहुत सारे मोबाइल खरीदे और इनको भी सेल किया, इनको भी सेल किया, मान लीजिए ठीक इनको भी सेल किया, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो तुमने लैपटॉप परचेज किया उस पर इनपुट टैक्स दिया, इस पर भी इनपुट टैक्स दिया, यहाँ पे अपने जीएसटी कलेक्ट किया सामने वाले से, लेकिन यहाँ पे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, आपने यहाँ पे पे किया, यहाँ पे कलेक्ट किया, आपने उसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे पे किया, यहाँ पे कलेक्ट किया, उसको एडजस्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे कलेक्ट किया, उसको भी एडजस्ट किया, लेकिन यहाँ पर तो आपने पे किया, क्या यहाँ पे किया होगा ठीक, लेकिन उसको क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया ट्रस्ट को। तो जब आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया तो आपने क्या क्या बेनिफिट तो ले लिया जो आपने जीएसटी पे किया, हो सकता है आपने किसी और पर्सन को सेल किया हो आगे, वो पैसा आपने यहाँ से एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो आपने पैसा सामने से लिया ही नहीं, यहाँ पे आपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनी ही नहीं, क्या बनी ही नहीं, क्यों, जब हम कोई एक्टिविटी करते थे, गुड्स सेल करते थे, यानी कोई कोई गुड्स या सर्विस हो उसको हम सेल करेंगे, क्या बन जाएगा एक्टिविटी, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन होता, तभी वो क्या बनता था सप्लाई, और तभी उसके ऊपर क्या लगता था जीएसटी, लेकिन यहाँ पे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो यानी कि वो आपके सप्लाई कंसिडरेशन था नहीं, सप्लाई बना नहीं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये बोला अगर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी को ट्रांसफ़र या डिस्पोजल कर दे, तो क्या करते हो कोई परमानेंट ट्रांसफ़र या डिस्पोजल, क्या परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, क्या वेयर ITC हैज़ बिन अवेल ऑन सच एसेट्स, क्या वेयर ITC हैज़ बिन अवेल ऑन सच एसेट, उसको हम क्या मान लेंगे सप्लाई मान लेंगे, क्या सप्लाई मान लेंगे। यहाँ पे क्या था एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे एक को ले लीजिए विदाउट कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन होता तो ABC में ही सप्लाई बन जाता, उस पर GST लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला आपने भले इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, क्या आपने भले इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का लैपटॉप परचेज किया, उस पर GST पे किया 1,000 रुपये का, ठीक, भले आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, अगर आपने इसका ITC लिया है, क्या ITC क्लेम किया है, ठीक ITC आपने क्लेम किया है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो हमें मतलब नहीं है, 10,000 रुपये वैल्यू हम मिनिमम मानेंगे और इस पर कितना टैक्स बनता है 1,000 रुपये GST बनता है, भले आप इनसे 10,000 रुपये ना लो, लेकिन हमें हमारा 1,000 रुपये GST पे करो, तो जो यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, भले आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हमको इससे मतलब नहीं है, आप 1,000 रुपये GST का हमें जमा करो, क्या 1,000 रुपये जमा करो, हमें इससे मतलब नहीं है। सेकेंड केस 10,000 रुपये का लैपटॉप 1,000 रुपये का उस पर GST पे किया 11,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे ITC क्लेम नहीं किया था, क्या ITC क्लेम नहीं किया था, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, क्या आगे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, अब हमें मतलब नहीं, आप 10,000 रुपये उनसे मत लो, आप 1,000 रुपये उनसे लो या ना लो हमें मतलब नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे ITC नहीं लिया, यहाँ पे आप उनको फ्री में दे रहे हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये हो गया अपना केस टू, ये वाला केस यहाँ पे कवर नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा केस कवर होगा, ये वाला केस वन, जब आपने ITC क्लेम किया हो और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, हमें इससे मतलब नहीं, चाहे 1,000 रुपये उनसे लो या ना लो, चाहे अपनी जेब से भरो, हमें 1,000 रुपये दे दो हम चले जाएंगे। तो ये यही बोलता है अगर परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स है, क्या बिजनेस एसेट्स वेयर ITC आपने क्लेम किया हो और विदाउट कंसिडरेशन हो, तो उसको हम सप्लाई मान के उस पर हम GST लगा देंगे, सप्लाई मान के ही GST लगा देंगे। तो ये कौन सा अपना केस नंबर वन, कौन सा है केस नंबर वन, तो पैरा वन में, यानी कि 7(1)(c) शेड्यूल वन पैरा वन, ये क्या अपना सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी शेड्यूल वन पैरा नंबर वन, ये क्या बोलता है शेड्यूल वन क्या बोलता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं था, और कौन सी चीज़ है परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC
क्लेम की अवेल किया आपने और विदाउट कंसिडरेशन आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको हम जीएसटी लगा देंगे सप्लाई मानकर। तो केस वन है, इसको भी आप नोट कीजिए। यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, इम्पोर्ट और सर्विस पर कंसिडरेशन विद और वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दर, सो पे उसको हम सप्लाई मान लेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन उसको हम सप्लाई मानेंगे, क्या मानेंगे, डीम सप्लाई। शेड्यूल वन, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, मानो न मानो उसको हम सप्लाई मान लेंगे या उसको हम डीम सप्लाई मानेंगे। कितने पैरा थे, 1, 2, 3, 4 पैरा। वन हमने पढ़ लिया, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल, ये ITC अवेल होना चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगा। और बिजनेस एसेट्स होना चाहिए, अगर आप बिजनेस एसेट क्या होता है ये समझ, जब आप कोई गुड्स खरीदेंगे और आपने उसको बिजनेस के नाम से परचेज किया है तभी तो आपको उस जीएसटी का आपको इनपुट मिलेगा, अगर आपने पर्सनल नाम से परचेज किया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। फिर हमने ये वाला पढ़ लिया था यहाँ पे, तो ये रहा यहाँ पे पैरा वन, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ये कहाँ पे, पैरा वन ऑफ शेड्यूल वन, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट मेड बैन एंटिटी ऑन परमानेंट बेसिस, क्या परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आपने उसको कुछ दिया, जैसे लैपटॉप ट्रस्ट को दिया और फिर मान लो बाद में उससे ले लिया, ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं था, एक तरह से आपने उसको यूज़ करने के लिए दिया, तो क्या बन जाएगा, सर्विस, क्या बन जाएगा, सप्लाई और सर्विस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, परमानेंट बेसिस पे ट्रांसफ़र होना चाहिए विदाउट कंसीडरेशन क्वालिफाइज एज सप्लाई।
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बिन अवेल ऑन सच एसेट। अगर ये देख केस टू था ना अपना, यहाँ पे ITC अवेल नहीं किया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया था, यहाँ पे ITC अवेल नहीं किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था तब भी वो क्या अपना सप्लाई नहीं बना था, यहाँ पर सप्लाई नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर सप्लाई बन गया था केस वन में। Therefore, in order to qualify as supply under this para, following conditions need to be satisfied. क्या होना चाहिए? Permanent disposal or transfer of business asset. Transfer disposal must be permanent. Permanent होना चाहिए. ITC must have been availed on such business asset. जैसा आपने यहाँ पे हमने लिखा है permanent transfer of disposal of business asset, ITC avail हो जाना चाहिए और without consideration होना चाहिए। इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन स्टिपुलेटेड अब परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल फॉलोइंग बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडर विल नॉट बी कवर्ड विद इन द पैरा दस विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई। क्यों? बिजनेस एसेट ऑन विच ITC ब्लॉक और नॉट अवेलेबल अंडर GST और बिजनेस एसेट थ्रू एलिजिबल फॉर ITC, ITC हैज नॉट बीन अवेल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। आइए इसको समझते हैं। जैसा हमने केस वन में क्या देखा था, आपने GST पे किया और फ्री ऑफ कॉस्ट आपने दे दिया, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपने दे दिया और यहाँ पे GST पे किया और ITC आपने अवेल किया और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, तो इसको हमने क्या सप्लाई मान ली और इस पर हमने GST लगा दिया। केस टू हमारा क्या था, GST आपने पे किया, ITC आपने नहीं लिया, क्या आपने ITC नहीं लिया और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे और GST आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। केस थ्री और केस फोर यहाँ पे बिजनेस एसेट थ्रू एलिजिबल फॉर ITC, यहाँ पे केस टू में एलिजिबल था ITC के लिए लेकिन उसने ITC नहीं लिया तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है बिजनेस एसेट ऑन विच ITC इज ब्लॉक और नॉट अवेलेबल अंडर GST। ये फर्स्ट वाले पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, जब ITC ब्लॉक हो और ITC नॉट अवेलेबल हो। केस थ्री, जब आपने GST पे किया यहाँ पे क्या ITC ब्लॉक है, जब ITC का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में बात करेंगे। अब ये समझिए कि ITC ब्लॉक है मतलब उस चीज़ का आप ITC ले ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और सर्विसेज कुछ कंडीशन बता रखे कि ये गुड्स है तो उस पर हम ITC आपको देंगे ही नहीं। और सेकंड यहाँ पे क्या है ITC नॉट अवेलेबल, क्या ITC नोट है यहाँ पे क्या रखा है ITC ब्लॉक ही कर रखा है कि आपको ITC देंगे ही नहीं, यहाँ पे ITC नोटेबल यानी कि इन दोनों केस में क्या है ITC नहीं मिलेगा। अगर आप ITC लेना चाहो तो भी आपको ITC नहीं मिलेगा, अगर आपने ITC ले लिया तो आपके ऊपर क्या लगा देंगे हम फाइन और पेनल्टी, क्या फाइन और पेनल्टी, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप देखें कि कौन सा गुड्स पे ITC ब्लॉक है, ITC नॉट अवेलेबल है तो आप रिटर्न फाइल करते हैं, उनको ये देखना होता है कि वो भाई ब्लॉक्ड ITC तो नहीं है, अगर आपने ब्लॉक्ड ITC या ITC नॉट अवेलेबल इसका आपने ITC लेना ही नहीं है, ITC आपको नहीं मिलेगा, ले लिया तो फाइन लगेगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कोई चीज़ आपने परचेज की उस पर ITC ब्लॉक था या उस पर ITC अवेलेबल नहीं और उसको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया तो इसको क्या हम सप्लाई मानेंगे, इस पर हम GST लगाएंगे, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसके ऊपर हम GST नहीं लगाएंगे। क्यों? कंडीशंस क्या थी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ITC अवेल होना चाहिए, क्या ITC अवेल होना चाहिए और विदाउट कंसीडरेशन, यहाँ पे तो ITC अवेल किया था, यहाँ पे ITC अवेल नहीं किया तो सप्लाई नहीं बना,
यहाँ पे तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आपने आईटीसी अवेल नहीं किया होगा, अवेल नहीं किया होगा, क्योंकि जब आईटीसी मिलेगा ही नहीं तो आपने अवेल ही नहीं किया होगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करोगे तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो इसको भी आप नोट कीजिए। चारों केस को इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द टर्म बिजनेस एसेट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द जीएसटी लॉ। तो बिजनेस एसेट आप ऐसे समझिए, आपने बिजनेस का नाम से लिया तो वो क्या बन जाएगा आपका बिजनेस एसेट्स। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बींग यूज इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड बाई ध्रुव ऑन सच लैपटॉप्स। ध्रुव का कोई बिजनेस होगा, उसने लैपटॉप लिया होगा, उसने उस पर आईटीसी क्लेम किया और फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट के इसको दे दिया अपने फ्रेंड को, तो ये क्या बन जाएगा, ये सप्लाई बन जाएगा। कंडीशन क्या थी, क्योंकि यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, कंडीशन क्या थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बिन अवेल, अगर अवेल किया था तो ही बनेगा, अगर उसने अवेल ही नहीं किया होगा फ्री में दे दिया तो नहीं बनेगा, उसको हमको लेना देना नहीं। अगर अवेल किया और फ्री में दे दिया तो आपने इधर आईटीसी भी यूज़ कर रहे हो, उधर हमको आईटीसी दे भी नहीं रहे हो, तो हम आपको सप्लाई मान के उस पर हम जीएसटी लगा के आईटीसी तब आप ले लीजिए, यूज़ कर लीजिए, जैसे यहाँ पे था ना अपना, हमको आप जीएसटी दीजिए 1,000 रुपये का, भले आप उससे लो या ना लो ट्रस्ट से, हमको आप 1,000 रुपये जीएसटी दो। ए डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंट ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कुछ कंडीशंस में मोटर व्हीकल पे आईटीसी प्रोक होता है, सारे केस में नहीं, कुछ कंडीशन से जहाँ पे आप कार खरीदते हो उस पर आप आईटीसी पे करोगे, आप बिजनेस के लिए भी खरीदोगे तो भी वो ब्लॉक होगा, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, तो आईटीसी पड़ेंगे उसको डिटेल में पड़ेंगे, तो समझिए मोटर कार पे आईटीसी ब्लॉक है, तो डीलर कौन, किस एयर कंडीशनर का था, उसने परमानेंट ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, आईटीसी ऑन साइड मोटर इज ब्लॉक्ड, दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट ए सप्लाई एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट ट्रांसफर इज नॉट फुलफिल। तो ये कौन से केस में आ जाएगा हमारा, केस नंबर 3 में, जहाँ पे आईटीसी ब्लॉक था, यानी कि आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी आप ले ही नहीं सकते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे तो भी वो सप्लाई नहीं बनेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लिस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच आईटीसी इज ब्लॉक्ड हैज बीन एलैबोरेटेड इन चैप्टर 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट इन मॉड्यूल 2 ऑफ दिस स्टडी मटेरियल। जब आप मॉड्यूल 2 में आपका चैप्टर है 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें पूरी लिस्ट है कौन से गुड सर्विस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। फिर ये पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक होता था अपना चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी, इससे हमने कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, फिर हम आए थे अपने सेक्शन 7 पर, उसको हमने स्टार्ट किया था, हमने क्लॉज ए पढ़ा, इसमें अभी कंसिडरेशन क्या है, मेड और एग्री टू बी मेड क्या है, और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तो हमने पढ़ लिया था, बिजनेस के चलते बिजनेस के लिए बिजनेस से कनेक्टेड, हमको मेड और एग्री टू बी मेड का मतलब समझना और कंसिडरेशन का इस मतलब, इससे हमारा एक पूरा क्लोज है पूरा हो जाएगा, और इसमें हमने एग्जाम्पल से समझा था, ये एग्जाम्पल मैं और आपको दूंगा, ये भी हमारा पूरा हो जाएगा। क्लोज बी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस, ये हमने अभी कर लिया। फिर हम थे अपने क्लोज सी, इसमें शेड्यूल 1 में 4 पैरा थे, कितने 4, हमने पैरा 1 कंप्लीट कर लिया, पैरा 2, 3, 4 हम नेक्स्ट क्लास में अपने कवर करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम था आपको ये वाला छोटा सा, ये वाला हमने पढ़ लिया था विदाउट
नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई गुड्स और सर्विस फॉर कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तभी उसको क्या मानेंगे हम, सप्लाई पैरा, ये आपका शेड्यूल, ये आपका कौन सा है, सप्लाई गुड्स और सर्विस फॉर कंसीडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए है आपका। अगर गुड्स सर्विस है तभी उसका सप्लाई बनता है, तभी जीएसटी की बात होगी। अगर कोई चीज़ एनी थिंग विच इज़ नाइदर गुड्स और नॉट सर्विस, यानी कि मनी और सिक्योरिटीज, ना ही वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है, तो क्या बनेगा उसके सेल पर वो सप्लाई नहीं बनेगा। कोई गुड्स और सर्विस है उसका हम सेल ट्रांसफर बाटर के तो ही सप्लाई बनेगा, तभी जीएसटी की बात होगी। मनी सिक्योरिटीज गुड्स ही नहीं है तो उसके सेल पर वो सप्लाई बनेगा नहीं, जीएसटी की बात होगी नहीं। एनी थिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई, कोई चीज़ गुड्स और सर्विस नहीं है तो सप्लाई से बाहर है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी, सर्विस मीन एनी थिंग अदर देन गुड्स, गुड्स क्या है मोबाइल प्रॉपर्टी, और जो गुड्स नहीं है वो क्या है सर्विस। मनी सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है। इंक्लूड्स एक्सलेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, इसको हमने और डिटेल में पढ़ा था। और एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर फॉर विच सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज, प्लीज रेफर द डेफिनेशन एक्सलेबल क्लेम मनी, मनी का भी डेफिनेशन में पढ़ा था, एक्सलेबल क्लेम का हम पढ़ लेंगे। बाकी मैंने समझा रहे थे क्या होता है, जो समझा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वही सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीड डिस्पोजल फॉर कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कहाँ पे था अपना 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में था। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वही बता रखा है, हमने पढ़ लिया था, सेल ट्रांसफर एग्जांपल भी किया था, लीज रेंटल डिस्पोजल लाइसेंस कंसीडरेशन मैंने बताया पढ़ना है। बिजनेस इंक्लूड्स, यहाँ पे बिजनेस की भी डेफिनेशन है उसको भी हम पढ़ लेंगे। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैंने बताया था बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए, बिजनेस से कनेक्टेड, बाकी बिजनेस की इंक्लूड्स ये हम पढ़ लेंगे। फिर ये हमने आप आज पढ़ ले इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन वेदर नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और हमने ये शेड्यूल वन पैरा 1 भी अपना कंप्लीट कर लिया है, पैरा 2, 3, 4 हमारा पेंडिंग में है। और यहाँ भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड बात है, यहाँ पे उसको भी हम कवर करेंगे। वहाँ पे था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्या था अपना क्लोज में इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसीडरेशन, चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, लेकिन यहाँ पे क्या है शेड्यूल 1 में एक्टिव टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई वेन मेड विदाउट कंसीडरेशन, यहाँ पे क्लोज बी में क्या था अपना कंसीडरेशन था, लेकिन पैरा यहाँ पे क्लोज सी में, यहाँ पे शेड्यूल में 4 पैरा, यहाँ पे विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और विदाउट कंसीडरेशन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो यानी कि यहाँ पे विदाउट कंसीडरेशन है, यहाँ पे वहाँ पे क्या था विद कंसीडरेशन, वैसे करके हम अपना पे में ये दो एग्जांपल किया था ध्रुव वाला और ये एसी डीलर वाला, ये पैरा 2 है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए जल्दी से कुछ एग्जांपल्स करते हैं और ये क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मनी सिक्योरिटीज एक्सनेबल क्लेम ग्रास ग्रोइंग क्रॉप्स बिल्डिंग लैंड
इसको आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शंस इन शेयर्स और सिक्योरिटीज। कमीशन चार्ज फॉर करेंसी और यहाँ पे लीजिए कमीशन चार्ज फॉर मनी एक्सचेंज। आपने मनी एक्सचेंज के यहाँ पे आप कर लीजिए रुपीज टू डॉलर, क्या कमीशन चार्ज किया किसके बदले फॉर मनी एक्सचेंज, आपने रुपीज टू डॉलर में कन्वर्ट किया उसके बदले में सामने पर्सन ने आपसे क्या चार्ज किया कमीशन। सोफा पेन मोबाइल लैपटॉप टेलीकॉम टावर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोल सिंपल इलेक्ट्रिक पोल ओल्ड इसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग, क्या फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग है। आपको ये बताना है कि इसमें गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है, क्या अब 2 मिनट होल्ड कीजिए, इसको आप टिक लगा लीजिए यहाँ पे इस सामने और फिर आप मेरे वाले एग्जाम आंसर से मैच कर लेना। यहाँ पर लिखिए एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई, यहाँ पर लिखिए नोट एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई। तो इसका क्या मतलब होता है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था जब मैंने आपको ये समझाया था, तो आइए इसको हम करते हैं। आपने टिक लगा लिया होगा। देखिए मनी मनी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है, और सिक्योरिटीज भी ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज। एक्शनेबल क्लेम क्या है गुड्स, क्या है गुड्स। ग्रास एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई, तो ये क्या है अपना गुड्स। जब गुड्स की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, या मेरे लेक्चर पीछे जाके चेक करें। ग्रोइंग क्रॉप्स नॉट एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई, मतलब जैसा उसको हम वैसे हम उसको सेल करें, तो ये क्या आएगा ये आएगा सर्विस में, क्या आएगा सर्विस में। बिल्डिंग मैंने क्या बताया था जो चीज मूवेबल वो है गुड्स, जो मूवेबल नहीं है वो क्या है सर्विस, क्या बिल्डिंग मूवेबल है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा सर्विस। लैंड क्या है इमूवेबल, तो क्या बन जाएगा सर्विस। शेयर्स सिक्योरिटीज ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेस। फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन शेयर्स बाय ब्रोकर, ये सर्विस दे रहा है, वो क्या दे रहा है उस चीज की सर्विस, तो क्या बन जाएगा सर्विस। कमीशन चार्ज फॉर मनी एक्सचेंज, आपने उस
उसको रुपए दिए, उसने आपको डॉलर दिया, और बदले में क्या किया आपसे कुछ कमीशन चार्ज किया, तो उसने आपको एक्सचेंज की सर्विस दी। क्या दी? एक्सचेंज सर्विस। कौन सी एक्सचेंज? मनी एक्सचेंज सर्विस। तो जो मनी के ऊपर नहीं लगे, जो मनी के वाले जो कमीशन चार्ज है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्या बनेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या बनेगा? सर्विस। सोफा मूवी वाले क्या बनेगा? गुड्स। पेन क्या बनेगा? गुड्स। मूवी वाले गुड्स। टेलीकॉम टावर, देखिए मैंने क्या बताया, तो जो चीज़ मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल है तो मूवेबल है, इमूवेबल तो इमूवेबल है। जैसे लैंड बिल्डिंग इमूवेबल है, क्या है? साफ पता लगता है कि ये इम मूवेबल है। तो क्या बन गया? ये सर्विस। और सोफा, पेन, लैपटॉप, ये क्या है? मूवेबल। तो ये क्या बन गए? गुड्स। लेकिन मैंने अगर एक दो नट खोलने से कोई चीज़ अगर वो मूव कर सकते हो उसको, जैसा है वैसे, पूरा वैसा ही, तो क्या हो जाता है? गुड्स। अदरवाइज क्या बन जाएगा? वो इमूवेबल, यानी कि सर्विसेज। टेलीकॉम टावर, क्या हम एक दो नट या दो चार नट खोलने से क्या सेम टू सेम टावर को ले जा सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमको टावर को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना? सर्विस। क्या बन जाएगा? सर्विस। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोल, ये क्या होता है? ये ज़मीन से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? कभी कभी जैसे टेलीकॉम टावर क्या होता है, ये है बिल्डिंग, और इसके ऊपर क्या लगा होता है? टावर, यहाँ पे टावर, ठीक। तो ये क्या है? बिल्डिंग में बोले, ये भी क्या है? इमूवेबल। दोनों ही क्या बन गए? सर्विस। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोल, ये कहाँ पे? जमीन होती है, क्या होती है? लैंड। इसके ऊपर क्या लगा होता है? हाई वोल्टेज अपना इलेक्ट्रिक पोल। तो ये क्या बन गया? सर्विस। क्यों? क्या आपने देखा कि सेम टू सेम टावर जा रहा है, वो वहीं पे आके बनता है, वो स्कूल में ला के जैसा है वैसे इसको मूव नहीं कर सकते, इधर एक दो नट खोलने से इसको जैसे वैसे मूव कर सकते। तो क्या बन जाएगा? सर्विस। टेलीकॉम टावर क्या बन गया? सर्विस। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोल क्या बन गया? सर्विस। ओल्ड कॉइन फेस वैल्यू नॉट इक्वल टू मार्केट वैल्यू, ऐसा कॉइन को देखिए, मनी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, लेकिन वो कॉइन जो जिसका फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में डिफरेंस, वो क्या बन जाता है? गुड्स। और क्या रहेगा अपना? सिंपल इलेक्ट्रिक पोल, ये क्या बन जाएगा अपना? देखिए जैसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें पूरा उसको दिक्कत होगा उसको ले जाने में एक साथ, लेकिन सिंपल इलेक्ट्रिक पोल है तो उसको हम सिंपल सा उसको जमीन से निकाल के जैसा है वैसा सेम टू सेम पूरा का पूरा पोल। आप देखते होंगे ये क्रेन, क्रेन क्या ले कहते हैं? सिर्फ एक को अपने हुक में, ये कोई क्रेन है, इसका एक ऐसा हुक होता है ऐसा, ठीक, ऐसा। इसमें क्या करें, पूरा पोल लेके आएगी और उसको एक क्रेन होती है, ये सीधा सीधा एक पूरे पोल, एक जो पोल होता है इलेक्ट्रिक वाला सिंपल वाला, उसको यहाँ पे लेके आएगी और सीधा उसको ज़मीन में लगा देगी और सीधा उसको पकड़ेगी और निकाल के पूरा सेम टू सेम वैसा का वैसा उसको ले जाएगी। तो ये क्या बनेगा? गुड्स, क्योंकि ये मूवेबल है। ये पोल होता है ऐसा का ज़मीन के अंदर लगा होता है, क्रेन आती है ऐसी होती है ना अपनी क्रेन, और इसका एक ऐसा ऐसा हुक बना होता है, ये सीधा इसको फंसाएगी और निकाल के ले जाएगी और सीधा ऐसे लाएगी और इसको इसमें लगा के चली जाएगी। यानी कि इसको 5 मिनट लगता है इसको निकालने में, 5 मिनट इसको लगता है इसको लगाने में। तो ये सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी हटाई, हुक में फंसाए, निकाले और पूरा पूरा पोल ही ऐसा चला जाएगा, और पूरा पूरा पोल ऐसा चला, तो क्या बनेगा? गुड्स बनेगा। क्या बनेगा? गुड्स। लेकिन हाई वोल्टेज, ये बहुत बड़े टावर होते, क्या बहुत बड़े, तो एक क्रेन में ऐसे इसको नहीं उठा सकते। तो ये क्या बन जाएगा? इमूवेबल। ये क्या बन जाएगा? सर्विस। लेकिन सिंपल इलेक्ट्रिक पोल क्या बनेगा? गुड्स। इसको नोट कीजिए और आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर दे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।